मैंने कहा था कि लाठी गोली खाओ और मैं सोरेन परिवार को जेल के अंदर डालूंगा, और दूसरा मैंने वादा किया कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराऊंगा, क्योंकि वो अधिकार संविधान देता है कि चुनाव आयोग की वो ये अधिकार है कि यदि 6 महीना पहले वो चुनाव कराना चाहे तो चुनाव करा सकती है, और मुझे लगता है कि मई जून में के समय जो है ये 6 महीना पूरा हो जाएगा। तो ये दोनों वादा जो मैंने किया है वो करूँगा। लोकपाल का केस है 13 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसमें 108 संपत्ति बेनामी संपत्ति सोरेन परिवार की मिली है, वो उसके ऊपर जाँच होगी, CBI इंक्वायरी होगी, ED की इंक्वायरी होगी, और पूरा सोरेन परिवार जेल के अंदर होगा। और मैं चुनौती देता हूँ और मैं कहता हूँ कार्यकर्ताओं का जो है विशेष धन्यवाद है, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी इसके लिए सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने कंसीव किया कि हमारे कार्यकर्ताओं में इतनी ताकत है कि हम इतनी भारी संख्या में आएंगे। और जब से ये झारखंड बना है मुझे नहीं लगता कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, इवन BJP ने, इतना बड़ा प्रदर्शन जो है सचिवालय घेराव का या किसी प्रकार का प्रदर्शन किया होगा। निश्चित तौर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ सारे कार्यकर्ता और सभी प्रकार के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, और जो आज प्रदर्शन हुआ है उसी का ये आसार है, लक्षण है, और उसी की प्रतिक्रिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है रांची छोड़कर संथाल पड़ना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।